वीडियो में हम सेक्शन 2.5 के चार टॉपिक्स जो कि बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर बात करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे फ्यूचर में, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपसे इसी किस्म के जो टॉपिक है उनके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या कहीं पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अपीयर हो रहा होगा जो कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, और आपको कहा जाएगा कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है या ये कहाँ यूज हो रही है, सो ऑन। तो ये चार टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक है वो है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का, दूसरा टॉपिक है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी का, तीसरा टॉपिक है इन्फिनिट डिसकॉन्टिन्यूटी, और जो फोर्थ टॉपिक है ये आमतौर पे इतना कॉमन नहीं होता है लेकिन इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इन चार टॉपिक्स को हम एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस फंक्शन को देखें और इसको ग्राफिकली इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहें जीरो पे, तो हम देख रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव अगर हो, जीरो के लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करें, यहां अप्रोच करेंगे और वैल्यू हमें मिल रही है, तो ये वन को अप्रोच कर रहा है। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है ये वन पे अप्रोच कर रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव तो हो गया, हम जीरो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो जीरो राइट साइड पे और यहां पर ये फंक्शन इस तरह से अप्रोच करेगा, तो ये भी वन पे ही अप्रोच कर रहा है। इसकी वैल्यू वैल्यू तो हम नहीं कहेंगे, लिमिटिंग आंसर हम इसे कहते हैं। अब अगर आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखें, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन वैल्यू है, वो क्या वजह है कि वन क्यों है, ये वन इसलिए है क्योंकि ये जीरो पे हमारे पास आंसर वन आ रहा है, ये फील्ड होगा तो वैल्यू हमें मिल रही होगी। तो इसका मतलब है कि यहां तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां पर ये कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। अब यहां पर अगर आप लिमिट देखें, जब जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये इसका लिमिटिंग आंसर हमारे पास मिल रहा है कि ये लिमिटिंग आंसर इसका होगा वन। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिटिंग आंसर अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम यहां से जीरो के राइट साइड से जीरो पे अप्रोच करें तो यहां पर ये जो है वन पे अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल हो गए, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम देख लेते हैं कि एफ ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू होगी, तो आप देख रहे हैं अगर मैं ये लिमिट के लिए रेस कर दूं तो जीरो पे, जीरो इसकी डोमेन में शामिल ही नहीं है, जीरो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है क्योंकि यहां पर ओपन सर्कल है। जब ये ओपन सर्कल होता है, जिसको आप कहते हैं कि यहां पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ना शो करने के लिए हम ओपन सर्कल शो करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू तो यहां पर है ही नहीं है, यानी एक्स जीरो जो है डोमेन में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन जो हमारे पास फंक्शन है ये इसकी डोमेन में नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस यहां पर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अगर हम आ जाएं, तो इस आप देख रहे हैं कि इसमें लिमिट जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है, तो मैं यही कॉपी कर लूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं।
ये हमारे पास लिमिट दोनों के केस में सेम है, लेकिन यहां अब ये हुआ कि जीरो पे वैल्यू ये नहीं है, बल्कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास टू है। तो एफ ऑफ जीरो हमारे पास आ जाएगा, ये टू वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों आंसर वन है, विच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू टू। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, हम कहेंगे कि दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट, इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम डिसकॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास, हमने तो कॉन्सेप्ट जो शुरू में देखा था वो तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी था, जंप डिसकॉन्टिन्यू, इसको हमने डिस्कस करना था। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में अगर हम इसकी बात करें, तो अगर एफ ऑफ जीरो, सपोज कि एफ ऑफ जीरो हमारे पास आ जाता वन के इक्वल, तो ये लिमिट आपस में इक्वल हो जाती, ये आपस में इक्वल हो जाते, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे ग्राफ को या ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, यानी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप इस ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को कहते हैं कि ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। फ्यूचर में हम देखेंगे कि हम ऐसे फंक्शन को कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। अब अगर आप नेक्स्ट को देखें, तो इसके लिए जीरो के लेफ्ट साइड पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, यहां पर इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की ये जीरो है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू वन है, तो यहां तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस वजह से ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हमारे पास हो जाएगा। और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी ये डिसकॉन्टिन्यूटी तो है लेकिन ये जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो हमने सीखा रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। अब एक और डिसकॉन्टिन्यूटी की तरफ हम जाते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखें, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, जीरो के लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखें, ये जीरो है इसके लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वो किसके पास जा रहा है, बेसिकली इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और इसी तरह से लिमिट जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये भी किस तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आप ले ही नहीं सकते, जब हमारे पास एक आंसर इंफिनिटी आ जाए तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है, इसको हम कहते हैं हमारे पास इन्फिनिट डिसकॉन्टिन्यूटी। अब आखिरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप जीरो के करीब देखें, तो फंक्शन जो है, इस फंक्शन ने हमेशा माइनस वन और वन के दरमियान रहना है, क्योंकि ये साइन वन ओवर एक्स का फंक्शन है और साइन वन ओवर एक्स हमेशा माइनस वन और वन के दरमियान रहता है। और लेकिन जब एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, जीरो पॉजिटिव है, या एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव है वाई के लिए, जो कि, या हम लिख लेते हैं यहां पर साइन वन ओवर एक्स के लिए और साइन वन ओवर एक्स के लिए, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है माइनस वन और वन के दरमियान, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसी, और ये डिसकॉन्टिन्यूस है हमारे पास नियर जीरो, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं
इसकी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि इसका यूनिक आंसर नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जो है दिस इज ऑसिलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी, ऑसिलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये चार किस्म की डिसकॉन्टिन्यूटीज आपने देखी, ये बहुत रेयर होती है ऑसिलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी ये आमतौर पे अपीयर हो रही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।